दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, 43 चाइनीज ऐप इंडिया से बैन कर दी गई हैं। आपको पता होगा कि पिछली बार कई चाइनीज ऐप इंडिया से बैन कर दी गई, जिसमें टिकटॉक, पबजी वगैरह थे। और अब फिर से इंडियन गवर्नमेंट ने 43 चाइनीज ऐप को इंडिया से बैन कर दिया है। तो वो 43 ऐप कौन सी हैं, जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मैं कुमार सोनू, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टेक स्पार्क इंडिया में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सिक्योरिटी रीजन के चलते इंडिया से कई सारी ऐप्स को बैन कर दिया है, जिसमें कि टिकटॉक, पबजी वगैरह था। हाँ, पबजी जो इंडिया वर्जन है वो जल्दी लॉन्च होने वाला है, कुछ दिनों में आपको मिल जाएगा। क्योंकि जो पुराना पबजी था वो अपनी जो कि चाइनीज कंपनी थी उससे कॉन्टेक्ट था, इसलिए जो भी डाटा स्टोर होता था पबजी का वो चाइना में स्टोर होता था, इसलिए उसको इंडिया से बैन कर दिया गया था। बाकी टिकटॉक वगैरह जो भी था वो सिक्योरिटी रीजन के वजह से ही बैन किए गए थे इंडिया से, क्योंकि यहाँ का डाटा लीक होके वहाँ पर जाता था, जिससे कि हमारे देश का बहुत नुकसान हो सकता था। तो दोस्तों, आज फिर इंडियन गवर्नमेंट ने 43 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है। उसके उन सभी ऐप्स के मैं आपको नाम बताता हूँ। तो उसमें सबसे पहले आपको दिखेगा अली सप्लायर मोबाइल ऐप, जो अली सप्लायर ऐप है उसको बैन किया गया है। दूसरी है अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, अली पे कैशियर, लैला मूव इंडिया, ड्राइव विद लैला मूव इंडिया, स्नैक वीडियो। हाँ दोस्तों, स्नैक वीडियो काफ़ी वायरल ऐप है, क्योंकि इसके 100 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। टिकटॉक के जाने के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही एप्लीकेशन थी, कि स्नैक वीडियो इस समय टॉप पर चल रही थी, लेकिन चाइनीज होने के चक्कर में इसको बैन कर दिया गया है। उसके बाद आता है कैम कार्ड, जो बिजनेस कार्ड रीडर था, और कैम कार्ड VCR, सूल, चाइनीज सोशल, डेट इन एशिया, वी डेट, डेटिंग ऐप, डोर ऐप, प्ली चाइनीज, टूली एशियन, चाइना लव, डेट माई एज, एशियन डेट, फ्लड विश, गाइज ऑनलाइन डेटिंग, गाइज ओनली डेटिंग, वर्क चाइना, फर्स्ट लव लाइफ, रीला, केसियर वॉलेट, मैंगो टीवी, MGTV, VTV, VTV क्रेडमा, VTV लाइट, लकी लाइफ, हावाओ, टावाओ लाइफ, डिंग टाल्क, आइडेंटिटी वी, लैंड टू, SS ऑफ टाइम, बॉक्स स्टार, हीरोज अवॉर्ड, हैप्पी फेस, जेलीपॉप मैच, स्किन मैच, कंक्वेस्टर ऑनलाइन 2। तो दोस्तों, सिक्योरिटी पर्पज के चलते इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये 43 चाइनीज ऐप इंडिया से बैन कर दी गई हैं। तो दोस्तों, ये बैन हुई हैं, ये अच्छा है या नहीं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे हिसाब से तो ये अच्छा ही है, क्योंकि सबसे बढ़िया यही है कि हमारी सिक्योरिटी रहे, हमारा जो डाटा है वो हम तक ही रहे, हमारा डाटा कहीं भी हमारे जाने बगैर शेयर ना हो। तो दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।